अब ये बहुत ही ज्यादा डरावना हो चुका है, ये अजीब सा लगता है कि रात में यहाँ पे कोई भी रुकना नहीं चाहता। अबे क्या है क्या है? हेलो एवरीवन, तो अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने। ये है मेरी बहन अक्कू, ये है छोटू सी तक्ता, रक्षा नाम है इसका। हाय। और वो है आयु बॉस, वो दूर भाग जाता है सबसे। वहां से नहीं जाना है, रोड से जाना है सीधे। आज तक न्यूज में तो अमित गए हुए हैं नीचे भैया लोगों के साथ क्रिकेट खेलने, तो हमने सोचा चलो हम इधर आ जाते हैं घूमने। पहला मैच है, उसे हम सब खेलते रहते हैं, बच्चे भी सब इसे खेल। इसको रिपोर्टर बनना है, इसने मेरी टोपी पहनी हुई है जैकेट। रिपोर्टर बनने का बड़ा शौक है। आज कल मेरी दीदी आई है तो दीदी मेरा शौक पूरा कर रही है। दीदी को एक बार फिर से मेरा धन्यवाद। दीदी को किसी कौन करेगा? दीदी को किसी कौन करेगा? ये पूरा हमारा जंगल है। हम यहाँ पर जाएंगे ना, होती है छिड़क दिया तो यहाँ पे देखिए, ये सब लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। अमित भी यहीं पे गए हुए हैं, तो भैया लोग सब लोग जो गांव के बच्चे भी है ना, यहाँ पे आराम से खेलते रहते हैं। तो ये हमारे स्कूल का रास्ता था, एक टाइम पे हम लोग यहाँ से स्कूल जाते थे। ये अभी यहाँ काम चल रहा है, बहुत सारी रोडें बनती हैं, आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में ऐसी रोडें बनती रहती हैं, ऐसी हमारे गांव में भी यहाँ रोड रोड ऐसी काम चल रहा है। रक्षा तो ये है यहाँ का भूतिया बंगला। I'm just kidding। ये यहाँ का टूरिस्ट है जो पहले तो ओपन रहता था, लेकिन अब इतने अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाया है, तो अब चीज़ें अब काइंड ऑफ भूतिया ही हो गई हैं सारी चीज़ें इसकी। तो पहले तो अच्छे से मेंटेन था, लेकिन अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे डर के सिवा कुछ नहीं है बस। रात को तो बड़ा भयानक लगता है, तो अब हम जाने वाले हैं यहीं पे। यहाँ पे बन रहा है ये पेड़ों के पीछे जो दिख रहा है, ये गाँव का हॉस्पिटल बन रहा है पूरे गाँव का यहाँ पे। और ये यहाँ पे स्कूल भी है, एक ये प्राइमरी स्कूल है। तो यहीं से होते हुए हमें उस बंगले में जाना है जिसे टूरिस्ट बोलते हैं। सो चलो फिर। ये बोलना बंद नहीं करती, ये कंटिन्यू बोलती रहती है ये लड़की। घासों को काटते रहते हैं, इसीलिए ये बुरी बात है। जो तुम्हारे लिए कभी कुछ सही करता है तो उसे कभी भी मत भूलना दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। दिखा दीदी, दिखा दीदी। ये है अक्कू, ये माय बारी। अरे तेरी बारी ना बच्चा, सीधे आगे चलो, आगे मत जा, रुक जा। हाँ उधर गेट था एक। ये है क्या ये टूरिस्ट है ना, मतलब यहाँ जो बाहर से आते हैं वो रुक सकते हैं। हाँ जैसे रेंट पे रह के रुक सकते थे, तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। अब ये भूतिया बन चुका है ये बंगला, वहाँ मत रहो। एक्चुअली अब ये बहुत ही ज्यादा डरावना हो चुका है, ये जंगल के बीच में रखा, पूरे जंगल के बीच में बना हुआ है, और रात में यहाँ पे कोई भी रुकना पसंद नहीं करेगा। और अभी बज रहे हैं शाम के, कितने बज रहे हैं आपको? एक्चुअली मेरे को अभी 5 बजने वाले हैं, तो हम लोग आए हैं अभी यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे रात में आप आओगे तो बहुत ही अजीब सा लगता है कि रात में यहाँ पे कोई भी रुकना नहीं चाहता इवन। तो अभी सारी चीज़ें बंद हैं, पहले तो चीज़ें खुली रहती थी तो लोग अंदर भी चले जाते थे, बट अभी सारी चीज़ें बंद हैं तो अब जा नहीं सकते हो आप ऊपर। इसके देख रही हूँ अंदर क्या है। अरे अंदर मत जा, रख जा अंदर मत जा। दीदी मेरे कपड़े, दीदी अबे क्या है क्या है? रक्षा मत जा, अब दोबारा वहाँ छोड़ो। इसका बाहर का व्यू लेते हैं, क्योंकि अभी अंदर देखना और ये सब सही नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजों पे ना भरोसा नहीं होता है।
बस अब हम दूसरे वाले में देखते हैं। ये उतना डरावना नहीं है। हाँ ये तो खुला हुआ है, ये वाला ज्यादा डरावना लगता है। यहाँ तो हम देख सकते हैं, यहाँ चीजें एकदम। एकदम खंडर लग रहा है। आयो आजा। अब ज्यादा देर रुकना सही नहीं है, यहाँ पे टाइम पे निकलना ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि अब बच्चे भी हैं हमारे साथ तो निकल लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। ये देखिए यहाँ से हिमालय रेंज दिखती है, बहुत ही शानदार, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये देखो कितना प्यारा सा नज़ारा है, ये देखो पूरी हिमालय रेंज दिख रही है यहाँ से, बहुत अच्छे से दिखती है। और जब इस पे वो पड़ती है ना, सूरज की रोशनी पड़ती है सुबह सुबह, तो भाई अल्टीमेट व्यू होता है, बहुत ही देखने वाला। चलो जुलाब पहन रखे, डालोगे तो कुछ ठंडी लग लिया। इतनी सारी चीजें मम्मी ने बनाई। हाँ अले आयु को तो बिल्कुल ठंडा नहीं लग रहा अब। आयु हमारे आना है। आसमान कितना प्यारा लग रहा है। तो ये है वो बंगला, अब हम जा रहे हैं घर। चुप रहे यार तू, हाँ बड़ा डर लग रहा तुझे। आ गए वापस। ये लोग अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे, देखिए। पास मेरे पास भी फोन होता मैं कितना बोलती। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।